सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग अगेन एंड दिस इज़ वीडियो नंबर टू ऑन चैप्टर नंबर फर्स्ट सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक डेटा एंड इन्फॉर्मेशन वट आर डेटास इफ यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन सो वी हैव टू इनपुट और फीड सम डेटा इन द कंप्यूटर दैट इज़ इफ़ यू हैव एडिशन परफॉर्म एडिशन इन कंप्यूटर सो हमको कुछ डेटा लेना पड़ेगा लाइक वी हैव थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी टू ये हमको ऐड करना है सर आंसर इज़ एट ओके okay. सो so, इस टाइप से अगर हमको कोई डिवीजन का पार्ट करना है मीन्स थर्टी सिक्स डिवाइड बाई नाइन दैट इज़ फोर अगर हमको इस टाइप की परफॉर्मेंस देनी है या हमको कुछ रिजल्ट लाना है तो उसके लिए हमको कुछ डेटा फीड करना पड़ेगा सो so, इनिशियल जो भी हम वैल्यू इनपुट देते हैं उसको हम एज अ डेटा कंसीडर करते हैं एंड फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट होता है और बीच में जो इक्वल टू है ये हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट है जो कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट का करता है जो हमारा कंप्यूटर का सी होता है ओके सो द फर्स्ट वन इज डेटा सो डेटा की डेफिनेशन है एक दैट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक अल्फ़ाबेट डिजिट्स और स्पेशल करेक्टर दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स और फिगर इज़ नोन एज डेटा एंड सेकेंड मर्जी इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है जो भी हमारा रिजल्ट आउटपुट आता है द डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड बाई द प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज इंफॉर्मेशन इट मीन्स जो भी हमारा डेटा प्रोसेस्ड होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट सो वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके लिए हम बहुत सारी यूनिट्स का यूज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स भी हैं जिनको हम डेटा स्टोरेज यूनिट बोलते हैं ओके देर आर सम एग्जांपल्स यू हैव टू रीड दिज एग्जाम्पल बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं सो सेकंड टॉपिक हमारा डेटा स्टोरेज यूनिट्स इनका मतलब क्या होता है कि हम डेटा को किन यूनिट्स में हम स्टोर करते हैं लाइक इफ़ आई हैव टू मेज़र द लेंथ ऑफ समथिंग ओके लेटर सपोज ये मेरे पास एक पेन है ओके okay? और पेंसिल आई हैव अ पेंसिल एंड आई हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल लेट अस सपोज इस पेंसिल की लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर है सो फिफ्टीन इज द फिफ्टीन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट सो हमने इसकी लेंथ को मेजर करा सेंटीमीटर में इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ बिटवीन बीपुरम एंड कोटी कॉलोनी देन दैट इज इक्वल टू द अराउंड सिक्स किलोमीटर ओके सिक्स किलोमीटर सिक्स डिज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज़ दे यूनिट सो इसी टाइप से हमको बहुत सारी यूनिट्स का यूज़ करना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इनपुट कराने के लिए कंप्यूटर्स में ओके जो हमारी मेमोरीज की फॉर्म होती लग -लग, में होती हैं अलग अलग मेमोरी साइज की फॉर्म में होती है इसमें सबसे यूनिट्स हमारी छोटी है वन बाइट विच इज इक्वल टू तो एट बिट्स एंड एंड मैंसन इन द प्रीवियस लेक्चर दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड ओनली टू स्टेट्स और टू कोर्ट्स ऑन फॉर वन एंड ऑफ फॉर ज़ीरो मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा जीरो एंड वन का जिसमें वन हमारा रिप्रजेंट करता है ऑन को एंड जीरो हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑफ़ को ओके दीज आर दी टू कोर्ट्स जिनको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं और बिट्स बोलते हैं सो एट बिट्स का मतलब इसी टाइप से अगर हम बिट्स का यूज़ करें तो एट बिट्स हमारा वन बाइट के इक्वल होता है एंड वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट वन किलो बाइट के इक्वल होता है जिसमें हमने वन के भी आपने देखा होगा कभी फोटो अगर कोई फोटो देखी हो तो फोटो के साइज़ रहता है या कोई पी डी रहती है ठीक है उसके बाद हमारा वन मेगा बाइट एज़ आई थिंक यू आर फेमिलियर विद नाउ वट इज़ दैट विद द इंटरनेट सो वन जी अगर आपने सुन रखा है दैट इज़ वन गीगा बाइट एंड वन गीगा बाइट इज इक्वल टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर एम बी एंड वन एम बी विज इज़ इक्वल टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर के बी इसी तरह से हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का जो मेमोरी साइज़ है जो रिप्रेजेंटेशन है स्टोरेज यूनिट का वो इस टाइप से दिस यू हैव टू नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी ओके देन थर्ड टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं कंप्यूटर के पास एक इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर के पास इनिशियली जो बिल्ट होती है वो इंटरनल मेमोरी की फॉर्म होती है जनरली ओके एक्सटर्नल मेमोरी जो हमारी अलग टाइप्स की मेमोरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं जिनको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं जो हार्ड डिस्क सी डी डी वी डी मेमोरी कार्ड जो हम एक्सटर्नली उसमें या एक्सटर्नली हम कोई डेटा इनपुट कराते हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी के टाइप्स होते हैं इंटरनल मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं अगेन रैम एंड रोम रैम इन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी ओके सो वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द इंटरनल मेमोरी रैम एंड रोम रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड वन रोम रोम इज रीड ओनली मेमोरी ओके फर्स्ट वन इज़ रैम रैम एक टाइप का ब्लैक बोर्ड है ब्लैक बोर्ड में अगर हमने कोई डेटा लिखा अगर हम ब्लैकबोर्ड में कोई चीज़ लिख रहे हैं या आपका कोई पेज है आपने पेंसिल से उसमें कुछ लिखा और अगेन ओवर रिटर्न कर दिया ओवर रिटर्न मीन्स आपने इरेज करा आपने कुछ लिखा लेटर सपोज ए बी सी डी इस टाइप से कोई इन्फॉर्मेशन लिखी एंड फिर आपने इसको इरेज कर दिया पेंसिल से लिखा हुआ और आपने इसको इरेज कर दिया अगेन आपने इसमें कुछ न्यू डेटा लिखा दैट इज़ पी क्यू आर एस और फिर से इसको इरेज कर दिया तो रैम इस टाइप की एक मेमोरी है जिसको आप हमेशा आप न्यू डेटा से फिलअप कर सकते हैं सो so, आप अगेन डेटा उसका चेंज कर सकते हैं मीन्स आपने एक डेटा लिखा उसको इरेज करा फिर दोबारा लिखा और फिर से उसको इरेज कर सकते हैं ओके सो रैम जो मेमोरी थी इस टाइप की मेमोरी जब भी हमारा कंप्यूटर सिर्फ ओपन रहता है या ऑन रहता है उसी टाइम पर हमारी ये मेमोरी जो होती है वो यूज़ होती है अदरवाइज़ इट गोस ऑफ ओके सेकेंड टाइप की जो मेमोरी थी वो रोम बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो मेमोरी के फॉर्म में होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ओके okay? सिर्फ हम रीड कर सकते हैं इस टाइप की मेमोरी को और हम इन, इन, इन इस टाइप की मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन के में होती है ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस